हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से पांडास ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग का ये जो वीडियो होगा वो होगा पांडास का जो फर्स्ट और जो बेसिक कंपोनेंट है उसको बोलते हैं डेटा फ्रेम। ठीक है, अब डेटा फ्रेम क्या है? डेटा फ्रेम को आप ऐसे समझिए कि डेटा फ्रेम एक जस्ट लाइक अ टेबल। ठीक है, अब टेबल में क्या करते हो? तो आप टेबल में डेटा को स्टोर करते हो, ठीक है ना। उसी तरीके से डेटा फ्रेम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने एक इमेज दिख रहा होगा। अब इमेज में आप देख रहे होंगे कि आप बस ऐसा समझना स्टार्ट कीजिए कि आप एक टेबल देख रहे हो। एक टेबल में क्या होता है? ये सब का सब क्या है? कॉलम है। ठीक है ना, ये सब का सब सब कॉलम है और ये रो है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो तीन जो पांडा सॉरी जो डेटा फ्रेम में आपको जो तीन कॉम्पोनेंट के बारे में देखना होगा वो होगा इंडेक्स, कॉलम और डाटा। दैट्स ऑल। हम लोग बस इसी तीन चीज के बारे में देखेंगे और उसके बारे में जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे उसके बारे में कुछ अधिक जानना होगा। तो ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले हमने बोला इंडेक्स। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि इंडेक्स क्या होगा। तो इंडेक्स यहाँ पे जो होता है ना, इंडेक्स ये इसको हम लोग बोलेंगे इंडेक्स का वैल्यू। ठीक है, इंडेक्स का लेबल बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे कॉलम, तो बस ये सब जो भी आपको देख रहे हैं ना, ये कॉलम, ये सब का सब क्या है? कॉलम है। और अगर हम लोग डेटा की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो यहाँ पे वैल्यू दिख रहा है ना, ये सब वैल्यू आपका कलर 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 जेम्स कैमरन 723 302 7.9 7.1 6.8, ये सारा क्या होगा? डाटा कहलाएगा। ठीक है, अब जब बात होती है बहुत सारे डेटा के बारे में, क्योंकि हम लोग डेटा एनालिसिस करेंगे बहुत सारे बहुत ही बड़े बड़े डेटा के ऊपर हम लोग उसको एनालाइज करेंगे, तो बहुत सारे डेटा ना मिसिंग होते हैं। ठीक है ना, अब उसमें भी जो मिसिंग वैल्यू होता है, तो जैसे ही आप इस टेबल को जिसको हम लोग डेटा फ्रेम बोल रहे हैं उसको आप पांडास के थ्रू खोलोगे, तो जो मिसिंग वैल्यू होंगे ना उसमें आपको एन ए एन, यहाँ पे आप जो देख रहे होगे एन ए एन, वो आपको दिखाएगा। इसका मतलब होगा कि ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, इस पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई भी वैल्यू नहीं है, जिसको हम लोग बोलते हैं मिसिंग वैल्यूज। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आप नॉर्मल से समझिए कि डेटा फ्रेम क्या है। डेटा फ्रेम एग्जैक्ट काइंड ऑफ एक टेबल होता है। जैसे टेबल में आपका रो होता है, कॉलम होता है, उसी तरीके से डेटा फ्रेम में तीन मेन कंपोनेंट होता है, इंडेक्स, कॉलम और डाटा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर और आपको ये वीडियो बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको बस सिंपल क्या करना है, आप मुझे कमेंट कीजिए और मैं आपको इस प्रॉब्लम को क्लियर करने में मैं आपकी सहायता करूंगा। इन सारे के सारे ट्यूटोरियल्स में मैं एक बात को बहुत मैं ध्यान में रख रहा हूँ कि मैं हर एक पॉइंट को के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊँ। सो हर एक वीडियो क्या होगा, एकदम छोटा छोटा वीडियो होगा। ठीक है, जिसमें आप बोर भी नहीं होगे और आपको समझने में एक उस पर्टिकुलर पॉइंट को समझने में आपको सहायता होगी। टिल दैट मेरे वीडियो के ऊपर आप कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरों के साथ जिनको पांडास पढ़ना है, और साथ ही साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।